कैसी चल रही है लाइफ, और लाइफ में क्या हो रहा है आपके? सब बोर हो रहे होंगे, घर पे बैठे हैं, कुछ करने को समझ नहीं आता। बट स्टिल हम घर पे रह के भी नए स्किल्स अपने डेवलप करते रहते हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी हॉबीज डेवलप कर रखी होगी, या फिर कुकिंग में लगे होंगे, या फिर कुछ नया बना रहे होंगे। एनीवेज हम आज थोड़ी सी पढ़ाई कर लेते हैं। आज मैं लेने वाली हूँ टॉपिक कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स। यहाँ पे कंपेयर करेंगे एडजेक्टिव्स को, तो इसके लिए पहले मालूम होना चाहिए एडजेक्टिव्स क्या होते हैं। एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स व्हिच डिफाइन सम नाउन और प्रोनाउन। नाउन या प्रोनाउन को जो वर्ड्स डिफाइन करते हैं, जो उनके बारे में कुछ और बताते हैं, उसको एडजेक्टिव्स बोलते हैं। तो जब कंपेयर करते हैं, कंपैरिजन की बात आती है, तो थ्री काइंड्स ऑफ कंपैरिजन नॉर्मली होते हैं, ठीक। उनको हम डिग्री ऑफ कंपैरिजन भी बोलते हैं। तो चलिए एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको समझ में आएगा कि कंपेयर कैसे करते हैं, ठीक। तो मैं लेती हूँ एग्जांपल, ललित इज अ टॉल बॉय। सबसे पहले सेंटेंस में आपको ये पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव वर्ड कौन सा है। नाउन देखिए, नाउन सभी को पता होगा, नाउन क्या है, किसी के भी नाम को नाउन कहते हैं। नाउन को डिफाइन कौन सा वर्ड कर रहा है, नाउन के बारे में कौन सा वर्ड और बता रहा है, टॉल। ललित इज अ टॉल बॉय, ठीक। ललित कैसा बॉय है, टॉल है। दिस वर्ड टॉल, ये है हमारा एडजेक्टिव। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में हम सिर्फ ललित के बारे में बता रहे हैं, ललित टॉल बॉय है। तो टॉल है, तो यहाँ पे सीधे सीधे हमारा ये वाला पार्ट होगा पॉजिटिव डिग्री। जब हम किसी एक ही पर्सन के बारे में कुछ बताते हैं, ठीक, नाउन में हमने कुछ एम्फसाइज किया, यानी कि एक एडजेक्टिव ऐड कर दिया, तो इसको पॉजिटिव डिग्री कहते हैं। ऑलराइट, आप इसी का नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम ले, ललित इज टॉलर देन रवि। इस सेंटेंस में सीधे सीधे मैं क्या कर रही हूँ, ललित को रवि से कंपेयर कर रही हूँ। ललित इज टॉलर देन रवि, यानी कि ललित रवि से ज्यादा लंबा है। यहाँ पे मैंने सीधे सीधे कंपेयर किया है, ये तो आपको भी दिख रहा होगा कि यहाँ पे दोनों को कंपेयर किया गया है। कौन ज्यादा टॉल है, ललित ज्यादा टॉल है, ठीक। इसको हम कहेंगे कंपेरेटिव डिग्री। जब हम दो को कंपेयर करते हैं, उसको कंपेरेटिव डिग्री कहते हैं। और हमारा एडजेक्टिव टॉलर बन गया, पहले टॉल था, ठीक, फर्स्ट पार्ट था, फर्स्ट पार्ट टॉल था, उसका सेकेंड पार्ट है टॉलर। नंबर थ्री अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लू, तो ललित इज द टॉलेस्ट बॉय। यहां पे देखेंगे आप द टॉलेस्ट, यानी सबसे ज्यादा लंबा बॉय है वो। द का यूज किया गया है यहाँ पे, और ये कौन सी डिग्री है हमारी, सुपरलेटिव डिग्री है, सुपरलेटिव। यहाँ पे ललित को क्या बताया गया है, सबसे लंबा बॉय, सबसे ज्यादा लंबा है वो। तो जब हम किसी को द बेस्ट या सबसे ज्यादा लंबा, द टॉलेस्ट बोल रहे हैं, तो द का यूज करेंगे। तो यहाँ क्लियरली समझ लीजिए कि जब थर्ड फॉर्म में हम यूज कर रहे हैं एडजेक्टिव को, फर्स्ट फॉर्म में टॉल है, ठीक, सेकंड फॉर्म में टॉलर ई आर ऐड हो गया, थर्ड फॉर्म में ई एस टी ऐड हो गया, ठीक। तो थर्ड फॉर्म में हमेशा द का यूज करेंगे। सुपरलेटिव डिग्री आप सीधे सीधे ये भी तुक्का मार के समझ लेंगे कि ई एस टी लगा है और द भी लगा है, तो वो सुपरलेटिव डिग्री होगा। ओके, तो अब हम और एग्जाम्पल अगर हम देखें, लाइक मिस्टर अमित इज अ हेल्दी मैन, हेल्दी मैन, हेल्दी, मिस्टर अमित इज अ हेल्दी मैन। यहाँ पे अब आप समझ रहे होंगे कि ये सिर्फ मिस्टर अमित के बारे में मैंने बताया, वो कैसे मैन है, कैसा आदमी है, वो हेल्दी है, तो ये पॉजिटिव डिग्री है हमारी। और यहाँ पे एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म यूज किया है हमने, हेल्दी फर्स्ट फॉर्म है। अगर मैं नेक्स्ट एग्जांपल लूं, इसी को अगर मैं कंपैरेटिव बनाऊं,
तो क्या बनेगा हमारा सेंटेंस? हमारे सेंटेंस में हमारा एडजेक्टिव का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे हम। क्या लिखूंगी मैं? मिस्टर अमित इज हेल्दियर। हेल्दियर किसी और से कंपेयर करेंगे, हेल्दियर देन किसी और से ज्यादा हेल्दी है, किसी को भी आप लिख दीजिए यहाँ पे। मिस्टर अमित इज हेल्दियर देन मिस्टर राम, यानी मिस्टर अमित हेल्दियर है यानी ज्यादा हेल्दी है मिस्टर राम से। यहाँ पे आप देख सकते हैं टू पर्सन का नाम अगर इंडिकेट किया गया, यानी दो लोगों को कंपेयर किया जा रहा है, तो आप ये सीधे सीधे समझ जाएंगे कि ये हमारा कंपेरेटिव डिग्री है। ठीक, आपको समझ में आ रहा होगा, होपफुली समझ रहे होंगे आप कि यहाँ पे हमने सेकेंड फॉर्म यूज किया है एडजेक्टिव का, दो लोगों को कंपेयर कर रहे हैं, तो इसको हम कंपेरेटिव डिग्री बोलेंगे। नेक्स्ट नंबर थ्री पे आ जाते हैं। यहां मैं क्या लिखूंगी? मिस्टर अमित इज द हेल्दीएस्ट मैन। यहां पे मैंने द के साथ एडजेक्टिव का थर्ड फॉर्म यूज किया है। ऑलराइट, थर्ड फॉर्म में हमारा क्या पता चल रहा है कि मिस्टर अमित इज द हेल्दीएस्ट, यानी सबसे ज्यादा हेल्दी मैन है वो। ठीक, तो यहां पे सीधे सीधे इनको EST आपको दिखेगा, ठीक, और साथ में द भी लगा हुआ है, तो द के साथ EST जब आपको दिख रहा है एडजेक्टिव में, यानी कि इसका इस सेंटेंस में हमने सुपरलेटिव डिग्री का एग्जांपल है ये। ऑलराइट, तो सिर्फ इतने सेंटेंसेस से आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि कंपैरेटिव, पॉजिटिव कंपैरेटिव और सुपरलेटिव ये तीनों पार्ट में कैसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एडजेक्टिव पता होना चाहिए कि सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या है, उसके बाद एडजेक्टिव का फर्स्ट फॉर्म अगर आपको दिया हुआ है तो सेकंड फॉर्म में उसको क्या लिखते हैं, दिस आल्सो यू मस्ट नो, ये भी आपको मालूम होना चाहिए, नहीं तो आप तो कंफ्यूज हो जाएंगे। ठीक है, देखिए जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल में मैंने टॉल लिया था, वर्ड टॉल हमारा एडजेक्टिव था, टॉल का सेकेंड फॉर्म होता है टॉलर, जहाँ ई आर एड करते हैं, थर्ड फॉर्म होता है टॉलेस्ट, EST ऐड कर दिया हमने, तो थर्ड फॉर्म हो गया और द लिखेंगे हम, सुपरलेटिव डिग्री है। ठीक, वैसे ही सेकंड नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया था जिसमें मिस्टर अमित इज अ हेल्दी मैन, वो एक हेल्दी मैन है, हेल्दी एडजेक्टिव है और ये हेल्दी फर्स्ट फॉर्म है एडजेक्टिव का, सेकंड फॉर्म हेल्दी का ER के साथ सेकंड फॉर्म लगा और वो है कंपैरेटिव डिग्री, जब हमने एक को दूसरे से कंपेयर किया था। जब थर्ड पार्ट में आए हम तो EST ऐड कर लिया हमने, EST यानी थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का द के साथ, तो मिस्टर अमित इज द हेल्दीएस्ट मैन, सबसे ज्यादा हेल्दी मैन है मिस्टर अमित, ये हमारा सुपरलेटिव डिग्री हो गया। ठीक, अब आप कमेंट करिएगा अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, या फिर कुछ डाउट हो, या फिर आप मुझे चाहते हैं कोई और टॉपिक लेने के लिए, तो प्लीज कमेंट करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।